समय खड़े हुए हैं मोती कॉलोनी के गेट पर, जहाँ पूर्व मंत्री व भाजपा के नेता सुभाष कत्याल पलवल से लेकर ददीर तक पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आप इस समय देख रहे हैं लाइव, एफबी लाइव में आपका स्वागत है। आपको बता दें पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल व भाजपा नेता अपनी जो पद यात्रा है पलवल से लेकर ददीर तक आज शुरू कर रहे हैं। इसके बाद वो 11 तारीख को करेंगे, उसके बाद 13 तारीख को भी करेंगे। कत्याल साहब, पदयात्रा किस लिए की जा रही है? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सारे भारतवर्ष में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्देश दिया है, हर राज्य में, हर जिले हेडक्वार्टर पर, हर प्रदेश में स्वच्छता को लेकर, पार्टी के विकास कार्यों को लेकर, जनता के किए गए हुए फायदे के लिए, विकास के लिए जो कार्य, उनको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। जो आपकी जो पदयात्रा है, ये क्या संदेश दे रही है इस समय? ये लोगों में संदेश जा रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान का विकास करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की गरीब जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, भारत वर्ष को विश्व का सर्वोच्च बनाना चाहते हैं और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलकर देश को चलाना चाहते हैं। कत्याल साहब, कत्याल साहब, आपकी इस पदयात्रा में पार्टी के बड़े लीडर क्यों नहीं है शामिल? पार्टी के बड़े लीडर सब आगे हैं, जो रह गए आगे मिल जाएंगे। जो आपकी ये पदयात्रा है, कि ट्रेलर है आपके, आप विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं? हमारा कर्तव्य है पार्टी सेवा करना, पार्टी के निर्देशों का पालन करना, पार्टी कार्य करना, जनता तक पहुंचना, जनता का जनसंपर्क करना, हम वो कार्य कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो 4 साल का पीरियड रहा है मनोहर सरकार का, 4.5 साल का, जनता इस सरकार से दुखी हो चुकी है? मनोहर लाल को दोबारा मौका देगी, हरियाणा में भाजपा सरकार बनेगी, देश में मोदी सरकार बनेगी। ये कहते हुए सुभाष कत्याल रवाना हो चुके हैं अपनी पदयात्रा के लिए। ये इस समय पदयात्रा शुरू हो चुकी है झंडों के साथ। ये देखिए बाइकों पर सवार है युवा, ये बाइकों पर सवार है पीछे पीछे युवा। ये पलवल से लेकर ददीर तक की पदयात्रा शुरू है। ये संभवतः जो बाइक पर सवार हैं सुभाष कत्याल के पीछे पीछे चलेंगे, अपने नेता के पीछे पीछे चलेंगे। पलवल से लेकर ददीर तक की यात्रा अभी अभी शुरू हुई है, अभी भी प्रारंभ हुई है। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।